नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, 2021 राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई आपको कोई IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई विदेश जाने के लिए कर रहा है। मैं दो सीरीज कर रहा हूं जिसमें मैं 2021 में आपकी जन्म राशि के अनुसार What's your राशि? चाहे आप इसे आर्ट कहें या साइंस, पर एस्ट्रोलॉजी बहुत ही आम बात है पूरे इंडिया में। और इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, हम में से कई इंडियंस बहुत सुपरस्टिशियस हैं और एस्ट्रोलॉजी को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। पर ज्यादा सरप्राइजिंगली ये है कि यंग पीपल जो ज्यादा साइंटिफिक और रीजन माने जाते हैं वो अब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शिल्पी और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। आज के समय में लोग दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ टीवी पर एस्ट्रोलॉजिकल चैनल्स या न्यूज़पेपर में राशि पढ़ते हुए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। जैसे US में लोग $2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों में हर साल। यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी को यूज करती है अपनी लाइफ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, मेरे स्टार्टअप का क्या होगा, मेरी लव लाइफ का क्या होगा, या मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी को इतना बिलीव कर रही है? इसके मेनली 3 रीजन है। इसका पहला कारण है स्ट्रेस। इंडिया में हर 5 में से एक यंग एडल्ट को स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी है। जॉब, एडुकेशन और रिलेशनशिप का प्रेशर सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली यंग एडल्ट्स में है, और इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यंग एडल्ट्स में डेथ का एक कॉमन कारण इंडिया में है सुसाइड। तो लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। दूसरा रीजन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि अनसर्टेनिटी आज की जनरेशन में बहुत बढ़ गई है। लोगों को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उनके आने वाले कल में क्या होने वाला है। तीसरा रीजन है इंटरनेट। एक समय पे एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अखबार में पाई जाती थी या किसी के पास फिजिकली जाकर, पर इंटरनेट ने ये सब चीजें चेंज कर दी है। और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक सिंगल वे नहीं है, इसके कई फॉर्म्स भी हैं, जैसे टैरो कार्ड, क्रिस्टल बॉल्स, पाम रीडिंग। आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करती है। पहला रीजन है रिमूव अनसर्टेनिटी। कई लोगों की यह सोच होती है कि उन्हें अपने आने वाले कल के बारे में पता हो या अनुभव हो। हमें रेंडमली हुई हुई चीजें पसंद नहीं आती हैं या सही नहीं लगती हैं। यही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता दे कि आपका शनि या मंगल भारी है तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जो आपको आने वाले बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर करने लगता है। बहुत से लोग अपनी नींद में आए सपने को लेकर परेशान रहते हैं। तो अगर आप अपने सपने में शादी होते हुए देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बिलीव कराता है या दर्शाता है कि आप अपने नए जीवन के बारे में सोच रहे हैं। इसमें आपका जॉब, करियर या रिलेशनशिप, ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। दूसरा रीजन है ब्लेम समवन एल्स। एस्ट्रोलॉजी बस हमें ये नहीं बताता कि हम बुरे वक्त से क्यों गुजर रहे हैं, बल्कि दूसरी चीजों पर ब्लेम करते हुए वह हमें एक्टिव रहने के लिए प्रोवोक भी करता है। जैसे रिसर्च ने बताया कि जब हमारी जॉब चली जाती है या स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम हो जाती है या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम बेटर फील करते हैं जब कोई एस्ट्रोलॉजर हमें ये बता दे कि ये कुछ प्लैनेट्स और तारों की वजह से हुआ है। तीसरा रीजन है गिव कॉन्फिडेंस। एस्ट्रोलॉजी आपके एक फ्रेंड की तरह है जो आपको मोटिवेशन देता है कि डोंट गिव अप, ये बस आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपका आने वाला कल और अच्छा होने वाला है। कितने लोगों ने हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर में एक सीन होता है जब हैरी एक क्विडिच मैच से पहले रॉन को एक लक पोशन देता है, जिसे जो भी पीता है वो कुछ देर के लिए लकी हो जाता है। रॉन जो गेम के लिए अनकॉन्फिडेंट था, वो सडनली बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर बाद में उसे ये पता चलता है कि हैरी ने उसे कभी लक पोशन दिया ही नहीं था, रॉन को बस ये लगा था कि उसे एक लक पोशन मिला है। एस्ट्रोलॉजी के कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे बहुत बार लोग हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे जिन लोगों का हॉरोस्कोप अच्छा नहीं होता तो वो अपने आने वाले कल के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सपने में कुछ बुरा देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी अगर उसका और डरावना अर्थ निकाल दे तो वो उसे और स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो होपफुली हम एस्ट्रोलॉजी से पॉजिटिव चीजें लें जैसे कि कॉन्फिडेंस, ना कि नेगेटिव चीजें जैसे कि डिप्रेशन। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू इन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।